हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बताया हुआ है जो कि नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या होगी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, वो ये है। यहाँ पर क्या है कि एक थीम याद रखना है आपको। एक बाबा है जिसकी तीन बीवियाँ हैं और उसकी लाइफ में वो तीन बार आती है और उसे छोड़ के चले जाती है। बाबा की तीन बीवियाँ तीन बार आई और उसको छोड़ के चले गई, तो हम कैसे याद रखेंगे? देखो, यहाँ जो बाबा है वो बाबा को बता रहा है खुद, और तीन जो थ्री नंबर बता रहा है जिसको बीवियाँ के, मतलब बी के, और तीन बार आई से थ्री ए, ठीक है। या फिर आप एज इट इज याद रख सकते हैं, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर बी क्या है, देखो बी जो है वो है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ए जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको याद रखना है कौन क्या शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज तो यह याद रखना है, दूसरी चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, वो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये ट्रिक याद रखना है, बस। अब चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बॉन्ड ऑर्डर का, हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखना, यहां जो मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग कराऊंगा इसमें बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए में, वो इस तरह से होगी, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें, मतलब ऐसे करके बस और बस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक बी में या ए में, ठीक है। इसको मेमोराइज करते हुए हम अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ये बाबा वाली ट्रिक याद रखना है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लेता हूं। O2 O2 plus O2 plus 2 O2 minus O2 minus 2, अब इनका हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। किस तरह से, मैं ट्रिक लिख लेता हूं, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ठीक है। अब देखिए O2 है, एक और चीज यहां पे, एक थीम समझिए आप, कोई भी मॉलिक्यूल जैसे कि O2 दे दिया मैंने, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, तो दो में कितने हो गए, 16, इतना आता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए O2 में। अब मैंने क्या किया, O2 के ऊपर प्लस साइन लगाया और O2 के ऊपर माइनस साइन लगाया, जैसे कि यहां कर रखा है। देखिए, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर प्लस साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन चले गए, और माइनस साइन आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए। जितने प्लस लगे हैं उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, जितने माइनस लगे हैं उतने ऐड कर दो। जैसे कि मैंने क्या किया, O2 यहां प्लस किया, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक लगाया ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां कितने हो जाएंगे टोटल, 15। मैंने क्या लिख दिया कि O2 माइनस, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 16 थे O2 में, कितने 16 होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, 17 हो गया। तो इस तरह से आपको एक ये थीम याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि O2 है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 16। अब मुझे क्या करना है, 16 जो इलेक्ट्रॉन है इसको फिलिंग करना है यहां तक। कैसे, मैंने बोला था एक में मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैं 16 कर देता हूं, 2 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आए समझ में। अब ये हो गया, फिलिंग कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, आप एक तो एग्जांपल देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां जो जो बी है उन सबको काउंट करेंगे। देखो, एक बी ये रहा, ये है, ये इतने सारे बी है और बाकी ए है, ठीक है। तो मैंने गोला किन पे बनाया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे, और मैं लाइन खींच देता हूं किसके, एंटी बॉन्डिंग के नीचे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं काउंट कर लेता हूं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हो गए, 10। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना है, तो मैंने लाइन खींची नीचे, 2 2 4 2 6, ठीक है, और डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया तो 4 2,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला आपके पास, ये बॉन्ड ऑर्डर निकल गया है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, 2। 16 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस तरह से हमने O2 का निकाल लिया। अब ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरे के भी निकाल लेंगे। कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से हम ट्रिक नहीं लिखेंगे, यहीं पे एड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए O2 प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। O2 में कितने होते हैं, O2 में होते हैं 16, एक चला गया तो क्या कर देता हूं मैं, 15। आया समझ में, 15। तो हम अब फिलिंग कर देते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 1, 15। आया समझ में, फिर से काउंट करेंगे, ये बॉन्डिंग वाले को मैंने गोला कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इनको नीचे एंटीबॉडी वाले को ऐसे कर दिया, गिन लेते हैं वापस से हम, ठीक है। अब हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, किसके लिए, O2 प्लस के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। उसके बाद में वो एंटीबॉडी गिनना है, 2, 2, 4, 1, 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 5 बाई 2, 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल गया, 2.5। आया समझ में आपको। अब हम थर्ड वाले के लिए निकाल लेते हैं, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला जो है वो है O2 प्लस 2। अब देखिए भाई O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 लगा दिया, प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहाँ कितने हो जाएंगे, 14। आया समझ में। अब हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर देते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 13, 14, ठीक है, इतना बहुत है, हो गया 14। अब हम क्या करें, वही गिनेंगे। अब देखिए बार बार गोला नहीं बनाऊंगा मैं, 2 में बता दिया है, तो गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। ये क्या कर रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग। तो एंटीबॉन्डिंग कितना हो गया यहाँ पर, 2, 2, 4। अब यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो तो 0 है, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब क्या है, 0 है, ठीक है, कुछ सोचना मत ज्यादा, ठीक है। तो कितना हो गया, एंटीबॉन्डिंग 2, 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 बाई 2, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। आया समझ में कि नहीं आया। अब हम किसका देख लेते हैं, हम देख लेते हैं O2 माइनस का। O2 में कितना होता है, 16, एक और एड कर दिया तो कितना हो गया, 17, ठीक है। अब 17 जो है वो किसे फिल करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, कितना हो गया, 17 होगा ना, 14, 15, 16 और 1, 17, ठीक है। अब हम गिन लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 के बाद में बॉन्डिंग, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना, 10 में 7 गए तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5। आया समझ में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है O2 माइनस 2। अब O2 माइनस 2 है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 में 2 ऐड कर दो तो 18, कितने हो गए, 18। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, बॉन्डिंग को गिनना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, एंटी बॉन्डिंग गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा, 2/2 = 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। आया समझ में आपको। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमने ऑक्सीजन केस में निकाल लिया है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप कोई भी एग्जांपल हो आप निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन आपको ये ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में आप इनको जमाओ, ठीक है। तो अब इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम जमा सकते हैं, ठीक है, आप ये जमा लेना। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, वो है नाइट्रोजन का। देखो ऑक्सीजन का जो अभी मैंने बॉन्ड ऑर्डर बताया, ये नीट एग्जाम में और IIT एग्जाम में बहुत सारी बार आ चुका है। अब मैं बताता हूं नाइट्रोजन के लिए, देखिएगा जैसे कि N2, N2+, N2+2, N2-, N2-2। अब हम एक एक करने के लिए देखते हैं, वही एक नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 में कितना हो जाएगा, 14, ठीक है।
हम इसे क्या करेंगे, प्लस चार्ज आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एड हुए, ठीक है। वही हमें बिल्कुल सेम टू सेम ऑक्सीजन की तरह करना है। ट्रिक देख लेते हैं बाबा, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ठीक है। अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एन टू में 14, तो क्या करेंगे, दो दो चार दो छह दो आठ 10 12 14, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, दो बॉन्डिंग ले लेते हैं, दो दो चार दो छह दो आठ 10, माइनस करना एंटी बॉन्डिंग, दो दो चार डिवाइडेड बाय 2 6 बाय 2 3, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला इसका 3। अब हमें देखना है क्या देखना है, हमें जो देखना है वो है N2 प्लस। देखो N2 में होते 14, तो प्लस आया मतलब एक चला गया, कितने हो गए 13, ठीक है। फिलिंग करते हैं, दो दो चार दो छः दो आठ 10 11 12 और एक 13, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन हुए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है हमें, तो बॉन्डिंग गिन लेते हैं, दो दो चार दो दो चार दो छः दो आठ और एक 9, ठीक है। अब हमें एंटी बॉन्डिंग गिनना है, दो दो चार बस डिवाइडेड बाय 2, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, डिवाइडेड बाय 2 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला भाई 2.5, ठीक है। अब हमें देखना है किसके लिए, N2 plus 2, तो N2 plus 2 जो होता है इसके लिए हम देखते हैं, N2 में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, N2 plus 2 दो चले गए तो 14 में से दो गए तो 12, दो दो चार दो छः दो आठ 10 12, बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो दो चार दो छः दो आठ माइनस दो दो चार डिवाइडेड बाय 2, 8 में 4 गया तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला 2, ठीक है। अब हमें देखना है N2 माइनस के लिए, ठीक है, N2 माइनस के लिए क्या करना है, देखो बेटा N2 माइनस, N2 में 14 माइनस आया तो एक एड हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 15, दो दो चार दो छः दो आठ 10 12 14 और एक 15, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, आप भी करते जाइए साथ साथ में, आपको भी करना है, ठीक है। दो दो चार दो छः दो आठ 10, दो दो चार और एक 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 बाई 2 2.5, तो इसका कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब हमें देखना है N2 माइनस 2 के लिए, N2 में होते इलेक्ट्रॉन 14, N2 माइनस 2, माइनस 2 दो और एड हो गए, एड करना माइनस आया तो कितने हो गए 16, ठीक है 16, तो देखो मैंने पहले से इसमें एड कर देते हैं, दो दो चार दो छः दो आठ 10 12 14 15 16, ठीक है। अब हम गिन लेते हैं, बॉन्डिंग गिन लेते हैं, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इसके लिए कितना आएगा 10 माइनस दो दो चार दो छः डिवाइडेड बाई 2 4 बाई 2 इट्स 2, आए समझ में, तो इसका कितना जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसमें भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है और दूसरे एग्जाम में भी आ चुका है कि इनका अरेंजमेंट अरेंज करके बताओ असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में कि बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से आप अरेंज कर लेना, मैंने इसका भी बता दिया है। अब हमें कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल देखना है जो क्या है कि दूसरी ट्रिक से सोल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये जो मैंने ट्रिक दी है इससे आप सोल्व कर लोगे। जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे लिथियम 2 का करके बताओ, लिथियम 2 जो है इसका प्लस में करके बताओ, Li2 माइनस का करके बताओ। अब ये दूसरी ट्रिक से नहीं होता, इस ट्रिक से होगा। देखो एक लिथियम में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, दो लिथियम होगा इसके लिए कितना जाएगा 6, आया समझ में। हम हमारी ट्रिक लिख लेते हैं बाबा की 3 बीबीएम, ठीक है, और ये 3 बार आई तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, Li2 में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 को फिल कर देते हैं, 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो देखना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है 2, कि भैया यहां तो कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या 0 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 4 माइनस 2 2 बाय 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 1, ठीक है।
ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, 1 आया है। अब Li2+ का निकालना है, मैंने क्या बोला Li2 में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन Li2 में। अब मैंने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, मतलब भगा दिया, तो क्या हो गए 5, कितने हो गए 5। अब मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर देखो, हो गए ना फिलिंग, 2 2 4 8 5, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, 2 और 1 3, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 2 एंटीबॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 1/2.5, आया समझ में, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, Li2 माइनस, देखिए Li2 में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब एक और ऐड कर दो 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग गिनो 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 में 3 गया तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, आया समझ में, तो ये क्या हो गया 0.5 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आप देख लेंगे कि ये हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है H2 के लिए भी देखना है, किसके लिए देखना है H2 के लिए, H2 का भी दूसरी ट्रिक से सॉल्व नहीं होता लेकिन इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, H2 H2 प्लस H2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए आप खुद करके बताइए, ठीक है, फिर वीडियो देखना। H2 देखो एक हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम देख लेते हैं फिलिंग कर देते हैं, तो H2 जो है उसमें कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने फिल कर दिया 2, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि एक इसमें नहीं, आप क्या कीजिए इसमें मैक्सिमम कितने हो जाते हैं 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो भरिए, उसके बाद में कुछ बचा तो आगे जाएगा, ठीक है, 2 तो यही खा लेगा और कुछ बचा तो आगे भेजेगा, ठीक है 2। अब यहाँ पे और सब में क्या है 0 0, कुछ मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे हम अप्लाई कर देते हैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो 2, एंटीबॉन्डिंग तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे 0 डिवाइडेड बाय 2 2/2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर H2 का क्या आया 1। अब हम देख लेते हैं इसके लिए H2+ के लिए, देखो H2+ 2 इलेक्ट्रॉन थे H2 में एक, अब क्या हुआ कि एक कम कर दो तो 1 हो गया, हम फिलिंग करा देते हैं इसमें तो 1। अब भैया बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 ही है और माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 क्यों किया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं है, तो 1/2 क्या जाएगा 0.5, इसका क्या हुआ 0.5। अब इसका तो बता दो आप क्या आने वाला है, बताओ इसका क्या होगा, H2 माइनस है, 2 H2 में होते हैं एक और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 और 1 3, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा 1/2, इसका भी क्या जाएगा 0.5, सही किया ना, ठीक है, तो ये H2 का हो गया। अब जो मैंने पहले बोला था आपको वीडियो में कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के लिए है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो है वो वही है, देखते हैं, पहले स्टार लगा देता हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए CO और CO प्लस के बीच में, देखते हैं किस तरह से करना है। देखो दो एलिमेंट, ये मॉलिक्यूल एक टाइप का, तो हम ऐड कर लेते हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन पास 8, तो ये कितने हो गए 6 6 12 14, ठीक है 14 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 14। उसके बाद में मैं CO प्लस का देखता हूं, देखो CO में है कितने 14, एक प्लस लगा है, एक प्लस लगा है मतलब एक कम कर दो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 14 में से क्या कर देंगे यहां पर 13, आया समझ में, यहाँ क्या है CO प्लस था ना, तो CO अगर इसको हटा दो तो CO ही है, इसमें प्लस लगा दिया एक कम कर दो क्या इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 13 हो गया, ठीक है, ये महामारी ना प्रोटॉन वगैरह की नहीं है, बस और बस इलेक्ट्रॉन का ही काम चलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये कितना 13 और ये 14। अब हम ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या है ट्रिक, बाबा BBB AAA, तो हम 14 को फिलिंग करा देते हैं 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13 14, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, देखो बॉन्डिंग कितने 2 2 4 2 6 2 8 2 10,
10 माइनस एंटीबॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 6 बाय 2, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला, मैं इधर लिख देता हूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकला है 3। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करते हैं अपन, किसके लिए, CO प्लस के लिए। 13, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 और 1 है 13। आए समझ में, अब 13 के लिए करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, sorry, 9। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये भी तो बॉन्डिंग है तो 9। ठीक है, 9 माइनस 2, 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 5 बाय 2, 2.5। अब देखो क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, 2.5। क्या निकला, 2.5। अब आपको मन में लग रहा होगा हाँ सही है, ट्रिक से क्वेश्चन आया है तो सही होगा, आंसर आया तो सही होगा, इसका 2.5 है और इसका 3 है। तो देखने पर क्या लग रहा है कि भैया CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है CO प्लस से, जो कि कितना है, 3 और 2.5। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत है, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन का भंडार है और वो एक्सेप्शन होते हैं वही नीट में आते हैं। तो आंसर क्या होगा, एक्सेप्शन है इसका, इसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर ना होके याद रखना आप 3.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, हमेशा ये याद रखना। डायरेक्ट कोई पूछ ले CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 नहीं 3.5 होगा, और CO प्लस का ही क्या होगा, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा किससे, CO से। ठीक है, कितना है इसका, इसका हो जाएगा 3.5। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो ये आपको याद रखना है, 3.5 इसने वेरी कर लिया, 2.5 नहीं 3.5 हो गया। ये आपकी ट्रिक्स खत्म हुई। देखो इस ट्रिक से आप ये भी बता सकते हो कि नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इससे आप कोई भी मॉलिक्यूल दे दूं मैं आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ट्रिक खत्म हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।